सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप Realme XT के अंदर Realme UI के अपडेट के बाद आप TWRP या Orange Fox Recovery को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहां पे कस्टम रोम को फ्लैश कर पाओगे और यहां पे Realme UI के अंदर। कंडीशन ये है कि आपके अंदर TWRP रिकवरी फ्लैश होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज हम यहां पे जानेंगे किस तरीके से आप कोई भी रोम को फ्लैश कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर का बटन दबा के कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले हम अपने फोन को बूट करेंगे यहां पे रिकवरी मोड के अंदर। उसके लिए आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करने के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद आपका फोन फास्ट बूट मोड में बूट होता है, फिर आप रिकवरी मोड में उसको बूट कर सकते हो। उसी के अलावा सबसे पहले हमको यहां पे जो कि है कलर OS का A16 फाइल, उसको यहां पे बूट करना होगा। हमको यहां पे अपने फोन को डाउनग्रेड करना होगा Realme UI से। फिलहाल आप Realme UI के अंदर कोई भी कस्टम रोम फ्लैश नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको पहले उसको डाउनग्रेड करना होगा ColorOS के A16 वर्जन के अंदर, जिससे आपका कोई भी दिक्कत ना आए, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी सब आपका इजीली चलता रहे। तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको A16 की फाइल देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, डिक्रिप्टेड RMX 1921 और A16 आपको ये देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम यहां पे बूट हो गए हैं अपने रिकवरी के अंदर। अब यहां पे हमको जाना है वाइप के अंदर, और वाइप में आपको सभी चीजों को सेलेक्ट कर लेना है, इंटरनल स्टोरेज डाटा वगैरह सब, USB स्टोरेज और माइक्रो स्टोरेज को छोड़ के। ध्यान रखना आपका डाटा जो भी कोई होगा फॉर्मेट हो जाएगा, तो बैकअप आप ऑलरेडी पहले से बना के रखो तो ज्यादा अच्छी चीज है। उसी के अलावा सिंपली हमको स्वाइप टू वाइप अब यहां पे कर देना है। सारा डाटा आप देखोगे डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद सिंपल है, बस आपको जो फाइल मैंने अभी आपको दी है उसको रिकवरी में फ्लैश करना है। अभी सब चीज़ वाइप हो गई, तो एक बार हम मेनू में जाके मैनेज पार्टीशन में और डेटा को भी एक बार हम फॉर्मेट पूरा कर देंगे। यहाँ पे आपका डेटा भी फॉर्मेट हो जाएगा, तो जो भी फाइल है आप अपने SD कार्ड में या USB में सेव करके रखिएगा, जो कि आपको एक फ्लैश करनी पड़ेगी अभी। तो यहाँ पे मेरे पास तो मैंने USB में ऑलरेडी इसको सेव करके रखी हुई है, आप SD कार्ड में भी सेव करके रख सकते हैं। आपको यहाँ पे दो फाइल फ्लैश करनी होगी, जो कि है एक A16 ROM की फाइल, साथ साथ एक VBMeta की जो फाइल है उसको भी फ्लैश करना होगा, ताकि यार अपना फ़ोन बचा रहे और कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली फाइल है डिक्रिप्टेड, और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे। यहाँ पे ये फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद इजीली हमको VBMeta को भी एक बार फिर से फ्लैश करना है। VBMeta फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोम को कोई भी अब फ्लैश कर पाओगे। इसको जल्दी से यहाँ पे फ्लैश हो जाने देते हैं एक बार। अब इसके बाद हमको यहाँ पे VBMeta की जो फाइल है फ्लैशेबल जिप, उसको फ्लैश करना है। ये दोनों चीज़ को फ्लैश होने के बाद आपको सिंपल एक बार सिस्टम रिबूट में यहाँ पे टैप करना होगा। अब आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे ColorOS का A16 वाला वर्जन इंस्टॉल हो गया है, बधाई हो। एक बार आपका फ़ोन बूट हो जाए, सिस्टम में आ जाए, आपको फिर से इसको रिबूट बैक करना है रिकवरी के अंदर। कैसे करना है, वही दोनों पावर बटन और दोनों वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके। और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन के अंदर रिकवरी नहीं दिखाता है तो आपको फिर से रिकवरी फ्लैश करनी होगी। और कैसे फ्लैश करनी है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से रिकवरी मोड में बूट कर लेता हूँ। सो देख सकते हो मैं रिकवरी मोड में आ गया, मेरे में ऑलरेडी फ्लैश थी, वाओ आई डोंट नो, लेकिन फ्लैश थी। और अगर आपके नहीं है, आप जैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हो चुका है, तो अब इसको हमको क्या करना है, फिर से वाइप में जाना है और सब चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सब चीज़ों को सेलेक्ट कर लो, इंटरनल स्टोरेज सभी चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप हमको ईजिली फिर से कर देना है। अब यहाँ पे स्वाइप टू वाइप होने के बाद आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हो। जी हाँ, आपको कोई भी रोम डाउनलोड करनी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे आपको मोस्टली सारी Realme XT की जो जो रोम है वो मिल जाएगी। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ Havoc OS फ्लैश करके, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है PD के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर। आप SD कार्ड में भी रख सकते हो या अपने फ़ोन में कॉपी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जल्दी से चलते हैं, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ और आपको दिखा दूँ, ये है Havoc OS आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। उसके अलावा अगर कोई रोम को गूगल ऐप्स की ज़रूरत है तो आप गूगल ऐप्स भी फ्लैश कर सकते हो। फिलहाल जो ये रोम है इसके अंदर एंड्रॉयड 10 की Havoc OS ऑफिशियल देखने को मिलती है Realme XT के लिए, इसके अंदर कोई भी गूगल ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के अलावा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर इसको फ्लैश करने के बाद
आप यहाँ पे वीवी मेटा की इमेज को भी फ्लैश कर सकते हो, वैसे वो ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ रोम के लिए हो सकता है आपको फ्लैश करनी पड़े। फिलहाल तो मैं यहाँ पे फ्लैश नहीं करने वाला हूँ और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली रिबूट कर लेंगे एक बार फ्लैश हो जाए तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियली फ्लैश हो गई है, करना होगा ये इमेज इंस्टॉल हो जाएगी, रिबूट आपको एक बार सिस्टम में करना है। यहाँ पे आपका फ़ोन बूट हो जाएगा आपके जो रोम डाली है उसके अंदर। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है, यहाँ कहीं पे स्टक हो जाता है, तो सिंपली आपको फ़ोन को अपने फिर से रिकवरी मोड के अंदर बूट करके डेटा को फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी से आपको दिखा पाऊँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो आ गया है हैवी कोएस का, यानी हमारी ब्रोम सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है और बूट यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका बूट हो जाता है वापस से रिकवरी के अंदर या बार बार रिबूट होता है दो तीन बार, तो आप एक बार जाके अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर देना। फॉर्मेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ऑरेंज फॉक्स में रिकवरी में बूट होगा तो आपको यहाँ पे सेटिंग का बटन मिलता है, उसके बाद मैनेज पार्टीशन का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर जाके डेटा का ऑप्शन मिलता है, डेटा को आपको ओपन करना है और यस टाइप करके ओके कर देना है, आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। आई डोंट थिंक पहले भी कोई चीज थी क्योंकि अब कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहां पे आपका इजीली बूट हो जाएगा, बूट होने में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट आपको यहां पे लगता है, बस इतना सा आपको यहां पे प्रोसेस करना है और आपके फोन के अंदर बूट हो गया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या रियलमी एक्सी के टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, लिंक मैंने आपका सबको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसी के अलावा इस फाइल का भी डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर पाओगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्दी से और भी कस्टम रोम का रिव्यू रियलमी XT के लिए लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर से कर देना। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।